श्री नमस्कार। प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी रानी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। वो मेरे को सुरता का नहीं समझ आया, अभी एक एक जीव पर दो दो सुरता कैसे बैठी? वो ईश्वर हाँ सृष्टि वो की दो क्या सुरता कह रहे हो है एक्चुअली ना, वहां पर योग माया में तो वो तीन जीव भी बिठा देते। योग माया का ब्रह्मांड काल माया से बिल्कुल भिन्न है। वहां पर जो राज्य चाहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म चाहते हैं, वैसा हो सकता है, पर उन्होंने उन जीवों को अखंड करने का कहीं और सोचा हुआ था। तो वहां पर तीन क्या, वहां पर और सुरताएं भी बिठा सकते थे वो। तो ये श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है। एक, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि को भी वो आनंद चाहिए, क्योंकि अक्षर ब्रह्म वही तो मांग कर आए हैं कि मैंने अक्षरातीत और रूहों के बीच की लीला देखनी है ना। तो उनकी सुरताएं, वो लीला, वो महारास, क्योंकि ब्रज में जो उन्होंने देखा, ईश्वरी सृष्टि ने खाली देखा, उनके साथ तो वो खेल ही नहीं पाए। वो कुमारिका सखियां के रूप में देखती थी बस कि कृष्णा गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, हमारे साथ तो करते ही नहीं। तो उन्होंने व्रत किए उनके जीवों ने। अभी उनके जीवों की और भी बात आएगी, बहुत स्पेशल है वो। तो ईश्वरी ब्रज को कहते हैं प्रेम की लीला, रास को कहते हैं प्रेम के विलास की लीला। तो उन्होंने प्रेम वहां पर केवल देखा, प्रेम का विलास तो लेना पड़ेगा ना स्वयं। तो और मेरे मन में बहुत ही सुंदर ही आपने प्रश्न पूछा है, मेरे मन में ये भी आया था कि राजी, आप 12,000 तन बनाने की बजाय तन ही 36,000 बना देते। एक ही तन में तीन तीन सुरताएं बिठानी ही ना पड़ती आपको, अगर तीन तन बना देते। इसका उत्तर बहुत सुंदर, मैंने आशीष जी के साथ, तब वो यहीं पे थे, इंडिया नहीं गए थे, मैंने उनके साथ डिस्कस किया इस बारे में। राजी ईश्वरी सृष्टि के साथ अलग से लीला नहीं कर सकते, वो केवल ब्रह्म सृष्टि के साथ लीला करते हैं। तो ब्रह्म सृष्टि के ही तन में ईश्वरी सृष्टि, अगर उनके अलग तन होते तो राज्य उनके साथ लीला नहीं करते। ब्रह्म सृष्टि के ही तन में ईश्वरी सृष्टि की सुरता दे दी उन्होंने कि मैं अपनी ब्रह्म सृष्टि के साथ, अपनी आत्माओं के साथ लीला कर रहा हूं, तुम साथ में इस लीला का आनंद ले सकती हो। अगर अलग तन होते तो शायद उनको लीला वो करने ही ना दी जाती। तो हर हर एक बात में राज्य का भेद, राज्य का राज छुपा हुआ है सुंदर सार जी। तो एक ही नूरी तन में एक एक ब्रह्म और दो दो ईश्वरी, क्योंकि ईश्वरी आई ही डबल है, उनको आनंद पता नहीं फिर उनको ये लीला खेलने को देखने को मिलेगी कि नहीं, डबल में आए हैं इसीलिए वो। हाँ जी प्रणाम जी, नाम जी दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम आ जी। गए सो मच। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया जी, एक क्वेश्चन ये मैं पूछना चाहता, थोड़ा मेरे दिमाग में संशय ये था, जो हमारी ब्रज की लीला हुई वो यहाँ इसी काल माया के ब्रह्मांड में हुई या हाँ जी वो जो इसी नौ, काल? हाँ जी काल माया का ब्रह्मांड बना वो भी हम क्या करेंगे अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा लेवल उसका हाई है। तो हम सीरियल ऑर्डर में चाहे ना करें, सुंदर साथ के लेवल के ऑर्डर में, यानी मेरे लेवल के ऑर्डर में जरूर करेंगे। वो स्वप्न का ब्रह्मांड बना काल माया का, द्वापर युग बोलते हैं ना, उसी में तो कृष्ण आए थे। तो द्वापर युग यही तो होता है कलयुग, सत, ये सारे त्रेता, द्वापर और सतयुग। तो काल माया में वो बना, पर वो अखंड योग माया में हुआ जाके। अच्छा, वो अखंड योग माया था, काल माया ये ब्रह्मांड नहीं था। हाँ जी वो सबलिक ब्रह्म में जाकर अखंड हुआ, और फिर से वो अभी फिर उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा, धीरे धीरे करेंगे, ताकि बिगिनर, मेरे जैसे बिगिनर सुंदर साथ से लेके सबको समझ में आ जाए। अब फिर उसका प्रतिबिंब बनेगा, वो फिर काल माया में आएगा। अच्छा, हाँ मतलब जी यहाँ जो काल माया के उसमें ब्रह्मांड में जो लीला हुई वो उनके तन नष्ट हो गए, तो हाँ जीव जी चला सबलिक ब्रह्म में, हाँ जी फिर और आत्म चली गई अपनी केवल ब्रह्म में। हाँ जी बिल्कुल, महारास खेलने के लिए। बल हमारा जीव, जीव किसके गए सबलिक में, ईश्वरी सृष्टि के जीव जाएंगे अभी थोड़े टाइम में सबलिक में, जहां तक हमने किया है। ब्रह्म सृष्टि के तो डायरेक्ट महारास खेलने के लिए वहां चले गए, क्योंकि उनको राज्य ने और महिमा देनी है, उनको अलग से अखंड करना है उन्होंने।
क्योंकि हम उनकी प्रियाएं हैं। हम चाहे सुहागनियों के लक्षण करें ना करें, पर धनी हमें हमेशा विशेष देंगे। धनी नहीं छोड़ते। बिल्कुल। प्रणाम जी। जी प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी कमलेश जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण में क्या फर्क रहता है? ये मैंने मैंने डिटेल में ये नहीं किया हुआ है, पर हम इसको आगे जैसे इस यहाँ पे यदि समझे ना तो स्थूल शरीर को कहते हैं। यहाँ पे इस काल माया में यदि उसको समझे, सूक्ष्म जीव होता है क्योंकि उसको हम देख नहीं पाते ना, उससे सूक्ष्म होता है वो, बाल के भी करोड़वें हिस्से से भी छोटा होता है जीव। और उसके बाद आत्म होती है यानी के कारण, और फिर परात्म यानी के महाकारण, इजी वे में समझने के। पर इसमें और बहुत गहराई है जो हमारे एक्सपर्ट सुंदर साथ को आती होगी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैंने स्वामी जी का रास का टीका नहीं पढ़ा है, वैसे उन्होंने खुलासा कर रखा होगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ। शायद इसी प्रसंग से है कि जिस प्रकार जो पहले जो काल माया का ब्रह्मांड था उसमें जो ब्रज की लीला हुई उसमें ब्रह्म सृष्टि भी थी और ईश्वरीय सृष्टि भी थी, तो उनका जीव तो आपने बताया कि सबलिक के कारण में जो है चला गया। तो मैं ये मेरे मन में प्रश्न उठा कि ये वाला जो काल माया का अब जो ब्रह्मांड है उसमें भी ईश्वरी भी आई हुई है और ब्रह्म सृष्टि भी आई हुई है, तो क्या जीव का चुनाव पहले वाले काल माया के ब्रह्मांड वाला ही है या भिन्न जीव है? हाँ जी डोंट वरी, ये प्रश्न मेरे हृदय में ये प्रश्न काफी सारे आए थे और उनको ढूंढने का प्रयत्न भी किया गया। ये हम करेंगे जब फिर से काल माया में आएंगे ना, आप उसी का पूछ रहे हैं ना, फिर से हाँ, आएंगे कि जीव सेम है या भिन्न है। जी हम फिर से प्रतिबिंबित में आएंगे ना, ये हम उसमें करेंगे भैया जरूर। जी जी। हाँ जी अच्छा एक और छोटा सा कि जो ब्रह्म सृष्टि के जीव आपने बताया कि योग माया के ब्रह्मांड रास में उनको धनी जी ले गए, तो अगर जीव को ले जाते हैं तो फिर अद्वैत का, हम उन्हें अद्वैत की लीला बोलते हैं योग माया के ब्रह्मांड को, तो अद्वैत का मतलब कि जो दो ना हो, और यहाँ ये काल माया का तो द्वैत है यानी ब्रह्म और जीव दो, तो क्या दो जाने के बाद मतलब जीव जाने के बाद भी अद्वैत बोलेंगे या मतलब ये कुछ आंकड़ी बड़ी कठिन सी लग रही है। ये ना वैसे भी राजी ने इस बार सब कुछ स्पेशल ही किया हुआ है, सब कुछ विशेष किया हुआ है, और वहां जाकर वो जीव जीव नहीं रहता, फिर जीव ब्रह्म रूप ही हो जाता है। वहां माया भी ब्रह्म रूप ही है, वहां पर माया और ब्रह्म, मुझे इस बारे में ज्यादा ज्ञान है नहीं वैसे, पर जैसा कि काल माया योग माया और परम धाम के बारे में लिखा हुआ था तो उसमें लिखा है माया ब्रह्म रूप दोनों एक होकर वहां पर लीला करते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जीव यहाँ का वो नॉर्मल जीव नहीं रहता, वो ऐसे ही जीव वहां पर जाते हैं जिनको बहुत कुछ विशेष, वो क्योंकि इस बार भी जो काल माया का ब्रह्मांड बना है उसने अखंड होना है बहिष्टों में, ऐसा ना कभी पहले हुआ। देखिए नेट गया क्या? नेट नेट चला गया शायद। नहीं ठीक है यहाँ तो हाँ जी सुंदर साहब जी मेरा इस डिवाइस से नेट चला गया था। हाँ जी ठीक है सुंदर साहब।
हाँ जी सुंदर साथ जी, ये वाले काल माया के ब्रह्मांड ने भी तो अखंड होना है ना, तो इन लीलाओं ये वाले जीवों को भी, ये सेम जीव नहीं रहते, उनको कुछ स्पेशल वहां पे, ऐसा स्पेशल जीव वहां पे माया और ब्रह्म रूप वहां पे करते होंगे, ऐसा मुझे पता है, पर मुझे इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, हम सुंदर साथ जी से पूछ सकते हैं ये। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ, मैं एक बात और बताना चाहूंगी, कल हम सब सुंदर साथ आज तक जो हो चुका है उसकी रिवीजन करेंगे, और केवल 5 से 7 मिनट तक एक सुंदर साथ बोलेगा, उनके नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ। पहले दिन जो हमने किया था वो मधु दीदी लेंगे, 7 मिनट्स मैक्सिमम हमारी लिमिट रहेगी, 7 to 8 मिनट्स। दूसरे दिन जो हमने किया था यानी ट्यूसडे, सुप्रभा जी उनका वर्णन करेंगे। तीसरे दिन का वर्णन सुनीता भगत दीदी करेंगे, और चौथे दिन का वर्णन दुष्यंत भैया करेंगे। आप सभी सुंदर साथ, आई होप आप इसमें कंफर्टेबल होंगे, और कल होगा ये सुंदर साथ जी 7 मिनट्स, और अगले वीक नेक्स्ट वीक फिर से फ्राइडे, आई होप तब तक जैसे राज्य का हुक्म, जैसे वो लेके चलते हैं, नेक्स्ट वीक फ्राइडे फिर से रिवीजन होगी अगले हफ्ते की। श्रीनिवास जी पहले दिन का करेंगे यानी कि जो मंडे को होगा, आशी जी दूसरे दिन का, तीसरे दिन चांद कमल आंटी, और चौथे दिन डीपी सिंह जी। यदि आप में से कोई सुंदर साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो वो बता सकते हैं, और उससे अगले वीक के नाम भी जल्दी ही अनाउंस कर दिए जाएंगे। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। अभी दुष्यंत जी पूछ रहे थे ना कुछ, कि वो कह रहे थे कि जीव यही है या वो, मतलब जो पहले वाले जीव हैं वो ही यहाँ पर इस बार जो, ये जो ब्रह्मांड है ना ये हुक्म का बना है, वो अब नए सिरे से बना है, वो तो सारा कुछ हो गया जो कुछ भी होना आना था, अब जो जीव बने ये नए सिरे से फिर अखंड, मतलब ये जीव और वो जीवों में अंतर, वो जीव अखंड हो चुके और अब जो हुक्म से बना है, जो अब यानी जब यहाँ पर जो 6 महीने की रास हुई है, यहाँ से उस ब्रह्मांड को टच किया गया था और उसको मिला दिया आपस में ताकि किसी को ये ना पता पड़े, और इसलिए 11 दिन की लीला भी की ताकि 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के, ताकि लोगों को ये महसूस ही ना हो कि वो गोकुल जो है वो और है कोई अलग है। जी सुंदर साथ जी, इन जीवों के बारे में थोड़ा सा बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल ने ये बताया है, इन जीवों के बारे में थोड़ा हम और इसमें डिस्कस करेंगे आगे, बहुत सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, कल ना एक प्रश्न आया था, मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, पर मैंने भी कल आशीष जी से और एक दो सुंदर साथ जी से भी बात की, तो ये जो नाम कल आया था ना कि नाम सुंदर साथ कैसे कैसे आए हैं, तो ये नाम जो है इस ब्रह्मांड में राज्य की चौपाइयों में, जो कि बनाने का समय नहीं मिल रहा, अब 3 दिन मुझे मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगी उनको आपके सामने लाने की। काल माया का जब ये ब्रह्मांड बना उस समय, जैसे कि कल आशी दीदी ने भी बताया, सुंदर बाई ये नाम धराया तित, है ना, ऐसे कुछ चौपाई है काल माया के ब्रह्मांड में, उन क्योंकि द्वैत का ब्रह्मांड है, कैसे समझेंगे अब प्राणा जी के अंदर कौन सी आत्म है, अगर उन परात्म के तो कोई नाम होते नहीं क्योंकि नाम से परे है हमारी वो भूमि। अब काल माया में समझने के लिए द्वैत में नामों का होना जरूरी है। ब्रज में जो कल हमने कहा था, ब्रज के नाम नहीं, वो नहीं लिए गए हैं। ब्रज में इंद्रावती जी की एक बड़ी सुंदर चौपाई, ब्रज में इंद्रावती जी का नाम मानक दे हुआ करता था, मानक दे के नाम से इंद्रावती जी को जाना जाता है, यानी के ब्रज के नाम तो ये नहीं है। और सुंदरी च इंदिरा, यहाँ पर पहले से ही वो कर दिया गया था अनाउंसमेंट कि सुंदरबाई और इंद्रावती के तन में ये दो तो आएंगे स्पेशल, जो मेन पार्ट अदा करेंगे। तो सुंदर साजी जो नाम है ना, जैसे ही सुंदरी नाम, सुंदरबाई नाम धराया, सारी सखियों के भी उस टाइम नामकरण ऐसा लगता है कि कर दिए गए होंगे। पहले लगा जब हम रास में गए थे ना तब किए, पर रास का जो वर्णन है वो अब आया, काल माया के ब्रह्मांड में आकर श्री मुखवाणी जब उतरी तब रास का वर्णन हुआ,
तब उन सखियों को तब तक नाम मिल चुके थे, तो केसर बाई ने ऐसा किया, इंद्रावती जी ने ये रामत खेली, इस सखी ने ऐसी रामत खेली, क्योंकि श्यामा जी के साथ ही उनकी सारी सखियों को भी नाम ऐसा लगता है कि दे दिए गए होंगे। कुछ कुछ इसमें चौपाइयां भी हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी, पर ऐसे वैसे नामों का मुझे ज्यादा वो ज्ञान नहीं है। हाँ जी आशी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, सुनो प्रणाम जी, आप जो बता रहे हैं ना वो उसी के लिए मैंने रीजन करा था। श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप में पारन पटेल जी ने अच्छी सी सारी चुपाइयां डाल दी हैं, और अच्छा। बाद में बलवी पांड्या जी ने भी लिखी है, उसी चुपाई का वर्णन करा है, बहुत अच्छा वर्णन करा है। जो आप बोल रहे हैं ना वही है कि रास में जो नाम दिए थे उसी के हिसाब से यहाँ फिर नाम आया है, और बड़ा प्यारा वर्णन है। सुंदर साहब जी उसको जरूर पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, मुझे वहीं से अच्छा लगा पढ़ के। बाकी कुछ और उसमें रह गया हो तो आप बता सकते हैं, मुझे तो उसी में से जो समझ आया मुझे अच्छा लगा, तो मैं कहना चाहती हूँ कि सभी सुंदर साथ उसको जरूर पढ़े और ध्यान से पढ़े। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और वैसे मेन फोकस सुंदर साथ जी, जितना क्योंकि वो बिगिनर क्लास होती है ना एक की, अभी नर्सरी में आए हैं, तो जितना जितना टीचर तो मैं हूं ही नहीं, खैर जितना जितना थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ना उसमें से क्वेश्चन पूछे, या फिर एक्सपर्ट सुंदर साथ उसके उत्तर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सुरक्षा आंटी, प्रणाम जी। सुरक्षा आंटी, अगर हाँ मुझे प्रश्न, अगर मुझे नहीं आया प्रश्न तो आपको बदलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये पूछ रही थी कि ये प्रतिबिंब की लीला वो कहां से हुई, ये मेरे को बताना पड़ेगा। हाँ अभी तो बताएंगे, प्रतिबिंब की लीला में हम आ ही नहीं सकते, अभी हम आ ही नहीं सकते, रास खेलने के बाद आना पड़ेगा उसमें। वो मेरे को नहीं, मतलब मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि ये जो 7 दिन की लीला थी वही प्रतिबिंब की लीला कहलाई है। हाँ जी, 7 दिन और 4 दिन मथुरा, उसी को ही बोलते हैं। उसका जरा अच्छी तरह से मुझे। हाँ जी वो करेंगे हम आंटी, धीरे धीरे चलेंगे सारे सुंदर साथ। अब क्वेश्चन मत बदलना मेरा ये। हाँ जी ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न था, कैसे बदल सकते हैं। प्रणाम, आप ऐसे पूछा करो जो मुझे आ जाए। प्रणाम जी, आता सब है, हम नहीं समझ पाते हैं ये बात। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी मिलकर जय। हाँ जी किरण आंटी, किरण आंटी से बात करेंगे क्योंकि वो हमारे एक्सपर्ट पैनल में, इसमें से कोई भी प्रश्न ऐसा हो ना जो रह गया हो आप उसका उत्तर भी दे दीजिए और हमें आशीर्वाद भी दे दीजिए। प्रणाम जी सुंदर साहब जी सबको, प्रणाम जी। मैं बीच में थोड़ा सा संशोधन करना चाह रही हूँ। हाँ जी, सबलिक के केवल ब्रह्म में जो लीला होनी है महाराज की, उसका कोई कारण महाकारण नहीं है, महाकारण नहीं है। नया ही वृंदावन सजाया गया, जो भी बना नया वृंदावन, योग माया को कहा गया कि तुम नया वृंदावन सजा दो कि सखियां जो हैं आने वाली हैं खेल के अंदर, उसमें इसका मतलब वहां पर मैंने अभी नक्शा भी निकाला, नक्शे के अंदर भी कोई महाकारण नहीं। ये आप सही कह रहे हैं क्योंकि मुझे भी इसका कोई वो नहीं मिला है, तो सबलिक में ही समझेंगे। पर यदि महाराज की लीला कांड हुई और कारण में ब्रिज की लीला हुई, लेकिन केवल ब्रह्म के अंदर कोई ऐसा महाकारण कारण नहीं, स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है, कारण महाकारण कुछ भी नहीं, टोटल सिर्फ अनंत की लीला होती है वहां पर। ठीक है, हाँ जी, तो अभी सुंदर साथ जी यही समझेंगे हम कि सबलिक में महारास की लीला हुई, यदि किसी सुंदर साथ को इससे रिलेटेड कोई चौपाई मिलती है तो वो सबसे शेयर जरूर करेंगे, मुझे भी अभी तक मिली नहीं है। तो जो किरण आंटी कह रहे हैं ना, दैट इज परफेक्ट कि सबलिक में इनकी लीला हुई और कल मेन क्लास में भी इसका संशोधन। केवल ब्रह्म में महारास की लीला हुई बस। प्रणाम जी, किरण दीदी प्रणाम जी। किरण दीदी प्रणाम जी, आपके आने से पहले ना ये भी प्रश्न उठा था और आपने एक दिन बताया भी था, अगर टाइम है तो अभी बता दो, नहीं तो बाद में से। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जब जाते हैं, कैसे आपने बताया था स्थूल में हमारा शरीर 25 की 25 काम करते हैं और सूक्ष्म में कौन हट जाता है कारण में, गुना इंद्रिया और महाकारण, ये सारा मैं भी दोबारा समझना चाहती हूँ और सुंदर साथ भी, इसलिए अगर अभी टाइम है तो अभी बता दो, नहीं तो फिर
आपके पास टाइम होने से किरण आंटी कल ना सात सात मिनट चार सुंदर साथ ले रहे हैं, हाफ एन आवर ही लगेगा, तो कल आप पूरा समय लेके इसको समझा सकते हैं। ये किरण दीदी समझाएंगी, एक बार इन्होंने बोला था लेकिन अच्छे से याद नहीं हुआ, तो सबको आ जाएगा। आज भी पूछ रहे थे ना सुंदर साथ जी, तो मुझे ध्यान किरण दीदी का ही आ रहा था, एक बार इन्होंने बताया था, तो इन्हीं से समझना होगा। हाँ जी, तो कल सुंदर साथ जी रिविजन करेंगे, उसके बाद हम किरण आंटी से यही समझेंगे पूरा, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक ना बड़ा अच्छा लिखा भी हुआ था, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं ना, वैसे वैसे सूक्ष्मता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम काल माया से परम धाम की ओर जाना प्रस्थान करते हैं ना, तो सूक्ष्मता उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है सुंदर साथ जी, क्योंकि पिंड ब्रह्मांड से परे जाना है, सूक्ष्म तो होना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, हाँ जी किरण आंटी, आप ही नहीं नहीं लगाओ आप लगाओ हाँ जी आशी दीदी, प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। ऐसे ही किरण आंटी, आप सभी सुंदर साथ आशीर्वाद देकर सुधारते जाइएगा, सिखाते जाइएगा और साथ साथ चलते जाइएगा। और सुंदर साथ जी, मेरी बहुत धिक्कार है इस जीव को जिसने इतनी उम्र खो दी, तो आपके प्रेम से ही थोड़ा थोड़ा धनी की तरफ बनना शुरू किया है। आपका साथ, आपका प्रेम बहुत जरूरी है और हम सब एक हैं और एक होकर धनी की तरफ जब तक नहीं बढ़ेंगे राज्य लेकर नहीं जाएंगे। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय।